नमस्कार भारत। कुछ लोग वीडियोस पे क्लिक करते हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं और हो सकता है वो मेरे सब्सक्राइबर ना हो, लेकिन वो लोग वीडियो को कंटिन्यू नहीं करते हैं। शायद उन्हें लगता होगा कि छोटा क्रिएटर है, बहुत छोटा चैनल है, 3,000 सब्सक्राइबर है, ये क्या ही पढ़ाएगा। मैं उनसे बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो के क्वालिटी पे ध्यान दे के थोड़ा सा अगर जज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी कोई छोटे से स्टार्ट करते हैं, एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, तो ये तो सभी के साथ होता है। जैसे कि इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूँ सिर्फ 5 फॉर्मूलेज पे, जितने भी स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एसएससी सीजीएल मेंस में सारे कवर हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको किसी भी क्लास को देखने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कोई मैराथन हो या कुछ भी हो, इसी 5 फॉर्मूला में आपका सारा काम हो जाएगा। और अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना आपके ऊपर है, अगर आपको लगे तो आप कर सकते हो। चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आते हैं आज के क्लास के ऊपर। देखो, सबसे पहला जो चीज है, सबसे पहली चीज जो है फॉर्मूला में, वो है सिग्मा। स्टैट्स में सिग्मा बोल के एक चीज है, जो कि नोटेशन होता है किसके लिए, स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन आप सब लिखते जाना, ठीक है? बाद में जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप बस एक वीडियो, इस वीडियो को लाइक करके बुक मार्क कर लेना, बस ये वीडियो आगे फॉर्मूला चेक करना, सारे सवाल बन जाएंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है? और एक और होता है सिग्मा स्क्वायर, ये होता है आपका वेरिएंस। हो गया वेरिएंस। अब आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा, ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन दिख रहा है आपको कि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर मैं इसको एसडी से लिखूं, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। दिख रहा है आपको? दिखेगा, क्लियर दिखेगा। ये स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा, है कि नहीं? और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है। तो अगर मैं इधर दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं तो मेरे पास सिग्मा बचेगा, और सिग्मा जो होगा वो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखो, एक फॉर्मूला के कई पार्ट्स होंगे, सभी को आपको याद रखना है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपका हो गया। स्टैंडर्ड डिविएशन में ये फॉर्मूला डायरेक्ट आएगा, आपको वेरिएंस दे दिया जाएगा या फिर स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया जाएगा, कोई एक दे दिया जाएगा और आपसे दूसरा पूछा जाएगा, और ये डायरेक्ट सवाल आपके मेंस में भी आए हैं लास्ट ईयर, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया। अब इसी का एक और सब पार्ट है, वो सब पार्ट क्या है? समीशन एक्स आई अपॉन एन, इसको हम लोग एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है? मीन। ये बड़ा ही सिंपल सा चीज है जिसको हम लोग आम भाषा में एवरेज बोलते हैं, वही है ये चीज, लेकिन इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है जब हम लोग स्टैट से बात करते हैं। देखो, स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक ऐसा ब्रांच है जो कि सिर्फ नंबर के साथ खेलना सिखाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप बड़े बड़े नंबर के साथ डील करोगे तो आपको सीखना पड़ेगा कि बड़े बड़े नंबर को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे उन्हें एक प्रॉपर टर्म देते हैं, और उससे हम लोग कैसे चीजें डिराइव करते हैं। तो जब आप इसमें एक्स आई की वैल्यूज रखोगे, ठीक है, इट एक्स आई कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 4 5 6 आई ही है ना, तो इट कैन गो फ्रॉम 1 to n, सिंपल सी बात है, आई बिलोंग्स टू 1 to n, तो आपका मीन आ जाएगा, ठीक है? ये आपका फॉर्मूला अलग यूज होगा, कहां पे यूज होगा वो आप पहले देखो। अब एक रिलेशन आता है, वो कहता है कि वेरिएंस, वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर, ये भी आपको डायरेक्टली मिलेगा निकालने के लिए टेबल के थ्रू, ये होता है समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट सवाल इससे भी आपको देखने को मिलेंगे डायरेक्ट। अंतर क्या है दोनों में? आपको लग रहा होगा, बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी होता है यहां पे कि यार इन दोनों में, दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। दोनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस है कि यहां पे एक्स आई स्क्वायर है और यहां पे एक्स आई है, और एक्स आई लिखने के बाद पूरा का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो
ये आएगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। क्यों एक्स बार? देखो मैंने यहां पे लिखा था ना, एक्स बार क्या है? एक्स बार ही तो आपका समेशन एक्स आई अपॉन एन है, समेशन एक्स आई अपॉन एन ही तो हमारा एक्स बार है, और विच इज नथिंग बट मीन, है कि नहीं? अब इसको एक छोटा सा, मैं आपको क्वेश्चन नहीं दूंगा, छोटा सा आपको डेटा देता हूं, इससे बस आपको बस बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये है क्या। अगर आपके पास एक डेटा है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आपके पास ये एक डेटा है, आप इसका एवरेज निकाल सकते हो, एक्स बार आप इसका निकाल सकते हो, है कि नहीं? सम करोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 होल डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, मैं निकालूंगा नहीं, आपको निकालना है, मैं इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज पे ध्यान दूंगा। ये हो गया एक्स बार। इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जो यहां पे लिखा हुआ है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। समेशन ऑफ एक्स आई मतलब क्या है? एक्स वन, पहले अगर मैं आई को वन रखूं, फिर समेशन का मतलब ये होता है सम, फिर प्लस एक्स टू, फिर प्लस एक्स थ्री, प्लस एक्स फोर, प्लस एक्स फाइव एंड होल डिवाइडेड बाई एन। ये क्या है? एन इज 5, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? तो दोनों चीज एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है, इसमें कोई शक और शुभा नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। अब लोगों के पास इसको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कुछ लोगों को, ये भी आप समझो ये क्या है। अगर ये डेटा आपके सामने गिवन है, 5 डेटा, तो समीशन एक्स आई स्क्वायर क्या कहता है कि पहला जो है एक्स आई उसका स्क्वायर करना है अपने को, फिर दूसरा जो एक्स आई है उसका भी स्क्वायर करना है अपने को, फिर डॉट 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 जितना होगा। तो यहां पे पहला एक्स आई क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। दूसरा क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर तीसरा क्या है? 3, 3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 5। यही डेटा को आपको सॉल्व करके यहां पे बिठाना है, और ये वाले डेटा को सॉल्व करके यहां पे बिठाना है, आ जाएगा आपका वेरिएंस। ठीक है, आप ना ये सिंबल जरूर याद रखना, ये सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज इट इज एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ देता है, आपको डायरेक्टली सिग्मा दे देगा, बोलेगा सिग्मा क्या है निकालो, सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन और सिग्मा स्क्वायर का मतलब वेरियंस। ठीक है, तो आई होप ये पहला फॉर्मूला पूरा क्लियर हो गया सभी को। इस एक फॉर्मूला में कई सारे सब फॉर्मूलाज निकल के आए, कई सारे सब फॉर्मूलाज निकल के आए, तो आपको सभी पे ध्यान देना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे फॉर्मूला की ओर। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? दूसरा फॉर्मूला हमें मीडियन के बारे में बताता है। मीडियन को निकालने के पहले मैं लिख दूं स्टेप्स फॉर मीडियन ऑफ अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब स्कैटर्ड, ठीक है, अनग्रुप का मतलब स्कैटर्ड डेटा। अब देखिए पहला चीज क्या कहता है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अरेंज द डेटा आइदर इन असेंडिंग, स्पेलिंग गलत हो गया लग रहा है, रुक जाओ करेक्ट कर देता हूं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज करना है आपको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको समझाऊंगा। दूसरा सब पार्ट क्या कहता है इसका, दूसरा पार्ट कहता है आपको कि काउंट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को काउंट करिए कितना है, मतलब कि एन आपका कितना है। तीसरा क्या कहता है, चेक करो, चेक चेक कर, जो गाना है ना वो चेक कर, वही वाला चेक करो, चेक इफ द ऑब्जर्वेशन
एन इज ऑड और इवन, ऑड है या इवन है ये आपको चेक करना है। क्यों चेक करना है अभी पता चलेगा, चेक करने के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपको फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मीडियन क्या होगा? मीडियन, मीडियन डिपेंड करेगा, पहली चीज, अगर एन ऑड है, अगर एन ऑड निकल के आता है तो आपका मीडियन क्या होगा? आपका मीडियन हो जाएगा एन प्लस वन बाई टूएथ टर्म। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं एन प्लस वन बाई टूएथ टर्म क्या होता है। दूसरा, अगर एन इवेन आ गया तो फिर आपका मीडियन क्या होगा? तो फिर आपका मीडियन क्या होगा? तो फिर आपका मीडियन हो जाएगा एन बाई टूएथ टर्म प्लस एन बाई टू प्लस वनथ टर्म डिवाइडेड, होल डिवाइडेड बाई टू, यानी कि ये एवरेज है एन बाई टू का और उसके बाद वाले टर्म का एवरेज है। अभी पता चलेगा कैसे। अब देखो, अगर एक डेटा है, मान लो मैं अरेंज करके लिखता हूं, टू थ्री फाइव सेवन नाइन, ठीक है, ये डेटा है, कोई दिक्कत किसी को? पहला काम आपको क्या करना है, मैंने अरेंज करके लिख दिया है तो इट्स टोटली अरेंज्ड, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। सिंपली आपको काउंट करना है कितना है, एक है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ टर्म, पांच है, एन आपका पांच है। पांच है मतलब क्या हो गया, ये ऑड है, और ऑड के लिए मीडियन कैसे निकलेगा, एन प्लस वन बाई टू टर्म। एन क्या है आपका, फाइव प्लस वन बाई टू टर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिक्स बाई टू टर्म, यानी कि थर्ड टर्म, है ना, तीसरा टर्म हो जाएगा। अब आप देखो, तीसरा टर्म कौन सा है, विच इज अ तीसरा टर्म, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो पांच आपका जो है इस डेटा का मीडियन हो जाएगा, ये आपका मीडियन है, मीडियन इज इक्वल्स टू फाइव। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ऑड रहेगा तो कैसे निकलेगा, ये आपका मीडियन हो गया। अब मैं यहीं पे एक्चुअली करता हूं, उसको मैं रब करता हूं, आप प्लीज इस पोर्शन को स्किप कर देना, ठीक है, ताकि मैं इवन वाला भी आपको समझा सकूं कि इवन वाला कैसे होगा। इवन के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, मैं थोड़ा सा डेटा चेंज करूंगा क्योंकि पहले मेरे को इवन करना पड़ेगा, राइट, अभी तो ऑड टर्म्स अपने पास, तो आई विल हैव टू चेंज दैट। देखो मैं यहां पे एक टर्म मान लो ऐड कर देता हूं 11, इसके बाद एक और टर्म ऐड कर देता हूं मान लो 13 और फिर 15, कितना टर्म हो गया अपने पास, काउंट करो, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, एन बराबर अपना 8 आ गया, विच इज इवन, तो अब इवन के तरीके से मीडियन निकलेगा, ठीक है। जिसको मीडियन पता नहीं वो मैं बता देता हूं, मीडियन आपका स्टैट्स में क्या होता है, वो डेटा होता है जो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं बीच में, किसी को थोड़ा सा दिमाग में दुविधा हो रही होगी यार, तो फिर एवरेज क्या है, एवरेज बीच का चीज नहीं बताता। देखो एवरेज हो गया आपको ये बता देगा कि यार ये एवरेज है, इतना 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 चीजें हैं, लेकिन मीडियन आपको बताएगा कि यार ज्यादातर डेटा कहाँ पे अरेंज्ड है, ठीक है, ज्यादातर डेटा किस जगह पे है। इसको थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा,
जरूरी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कुछ डेटाज है, ये, ठीक है, ये सारे डेटाज है। इन डेटाज का जब आप एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालोगे, ठीक है, तो आपका एक नंबर आएगा, वो आपका इसका एवरेज बताएगा कि हाँ, अगर सबको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इतना इतना सबके हेड पे आएगा, बराबर होगा, सबके पास इतनी इतनी चीजें जाएंगी। लेकिन जब इसी डेटा का हम लोग मीडियन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, तो क्या बताता है कि आपका मैक्सिमम डेटा कहाँ पे अरेंज्ड है। देखो, आपका मैक्सिमम डेटा दिख रहा है, यहाँ पे अरेंज्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि मीडियन आपको कहीं ना कहीं इस डेटा के बारे में बताएगा कि आपका मैक्सिमम डेटा इस जगह है। तो ये बहुत तरीका होता है आपको धोखा देने का। बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, इसका खास तौर पर इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किसी भी कॉलेज का जब प्लेसमेंट होता है तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि देखो, एवरेज प्लेसमेंट इतना हुआ, एवरेज प्लेसमेंट आपका हुआ 10 लाख, 12 लाख, ऐसे करके आपको बताया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको कभी भी प्लेसमेंट के केस में एवरेज देखना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? मान लो 100 स्टूडेंट है, 100 में से 80 स्टूडेंट को 2 लाख का पैकेज मिला और किसी 20 स्टूडेंट को 60 लाख का पैकेज मिल गया, 30 लाख का पैकेज मिल गया, तो एवरेज तो बढ़ जाना है, शूट अप हो जाएगा ना एवरेज। जिसने ज्यादा कमाया, जिसका ज्यादा पैकेज लगा, वो सबके सर पे थोड़ा थोड़ा करके बांट देगा। लेकिन उसका मीडियन क्या बताएगा? उसका मीडियन बताएगा कि यार, मैक्सिमम डेटा तो 2 लाख के आसपास है। इसका मतलब ये हो गया कि मैक्सिमम डेटा इस जगह पे, इसका मतलब मीडियन ऑफ द एवरेज कहीं ना कहीं 2 से 3 लाख के बीच में ही गिरेगा। तो वो आपको एक्चुअल वैल्यू बताएगी किसी भी कॉलेज के प्लेसमेंट की। ये डेटा बहुत कमाल का चीज है, जादू हो जाता है, और उतना ही आपके दिमाग को, मतलब क्या बोलूं, घुमाने के लिए काफी है। डेटा आपके आंखों में धूल भी झोंकता है, ठीक है। तो कभी कभी थोड़ा सा वो गड़बड़ भी होता है, अनसर्टेन भी होता है, स्केप्टिकल रहता है चीज है। तो चलिए, मीडियन हो गया, समझ में आ गया कि मीडियन क्या होता है, ठीक है। एन इवन है आपका, फॉर्मूला क्या कहता है, n/2th टर्म। एन कितना है? 8 है, 8/2। इसको आप सिंपली ऐसे समझो, 8 है यानी कि फोर्थ टर्म हो गया। और ये n/2+1th टर्म कुछ नहीं है यार, इसके फोर्थ टर्म के बाद वाला टर्म है। फोर्थ टर्म के बाद वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ टर्म। आप डायरेक्टली ऐसे करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म ये हो गया, फिफ्थ टर्म ये हो गया, इन दोनों का एवरेज निकालना है अपने को, 7+9/2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 16/2, 8। 8 आपका हो गया मीडियन, ठीक है। आगे समझ में चीजें क्लियर है सभी को? क्रिस्टल क्लियर है? अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके मेरे को कमेंट में जरूर बताओ, ठीक है। अगर 10 लोग ही देख रहे हैं, 10 लोग ही बताओ, मुझे नहीं चाहिए कि यहाँ मेरे वीडियोस 5,000 लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चैनल मेरा बहुत छोटा है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर सकूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली मेरा ये टारगेट है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिल सके। तो ओवरऑल आपको मीडियन समझ में आ गया कि मीडियन कैसे निकलता है, ऑड के लिए, इवन के लिए, ठीक है। अब आइए एक और फॉर्मूला। दो फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया है, थर्ड फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन आप देखो, मीन डिविएशन क्या होता है। मीन डिविएशन का भी अपने पास एक फॉर्मूला है, वो क्या कहता है? वो कहता है समेशन ऑफ DI अपॉन N। देखो, जिसको ये समेशन समझ में नहीं आ रहा ना, ये जो एप्साइलन होता है ना, एप्साइलन नहीं, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, बिग सिग्मा बोलते हैं इसको, एप्साइलन टाइप का देखने में लगता है। एप्साइलन भी एक ग्रीक सिंबल है जो कि ऐसा होता है, एप्साइलन। हाँ, तो ये जो समेशन है, ये इसका नाम ही समेशन कहा जाता है, क्योंकि ये सिंबल डिनोट करता है कि ये समेशन है, मतलब कि इसके अंदर जो भी डेटा आएगा वो सम होगा, ठीक है। अगर मैंने समेशन DI लिखा है तो मतलब कि D1+D2+D3 ये सब होगा, और ये बीच में जो है ना, ये प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा, ये इंटू नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, यही बताता है समेशन। ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको ये चीज़ हो सकता है पता नहीं हो, इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है।
ये आपका हो गया समेशन का खेल, और मीन डिविएशन का आपका ये फॉर्मूला हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि यार डीआई क्या है। डीआई आपका है डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड मीन। ठीक है, नंबर्स एंड मीन विद इन मॉड साइन का मतलब क्या हो गया? विद इन मॉड साइन का मतलब हो गया कि हमेशा पॉजिटिव लेना है। ये भी थोड़ा साइंस का चीज है, थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड वाले इसको समझ जाएंगे। मॉड फंक्शन होता है जो कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मॉड फंक्शन कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देता है। आया समझ में? वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। वाई के किसी भी वैल्यू के लिए, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, उसका वाई का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही होगा हमेशा। तो ये मॉड फंक्शन होता है, आपको उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आप याद रखो। और ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड मीन। अगर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करूँ, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूँ 1, 2, 3, 4, 5, फिर से 5 डेटा मैंने ले लिया और सब नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ही है। इसका एवरेज अभी क्या निकाला था हमने, इसका एवरेज क्या होगा, मीन जिसको मीन कहते हैं, क्या हो जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12, 3, 16। ठीक है, 16/5 आएगा कुछ, मान लो 3.2 आ गया, कुछ भी आएगा। 3.2 इसका मीन हो गया। इसका मतलब हमें क्या करना है मीन डेविएशन निकालने के लिए, पहले मैं क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड मीन, मतलब ये जो पहला नंबर है, ये जो पहला नंबर है 1, ये आएगा 1 - 3.2। ठीक है, -3.2, आए समझ में? ऐसे करके डिफरेंस निकलेगा। इसको मैं थोड़ा सा और चीजों को रख देता हूं, रुक जाओ। डिफरेंस आपको दिखा, ठीक है, ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा -2.2, है कि नहीं? आइडियली ये आना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ, ये मॉड है, ये मॉड है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉड फंक्शन इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा और आपका आंसर आएगा 2.2। आया समझ में? इसी प्रकार अगर मैं 2 से -3.2 करूं तो क्या आ जाएगा, -1.2 आना चाहिए आंसर, लेकिन मॉड फंक्शन इसके ऊपर ऑपरेट करेगा और वो इसको 1.2 बना देगा। इसी प्रकार जब आप 3.2 से 4 करोगे, 5 करोगे, 3 करोगे, जो भी आएगा सबका आपको सम ले लेना है। ठीक है, 2.2 + 1.2 + ……, जो भी है, होल डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है, 5, वही आपका होगा मीन डेविएशन, मतलब कि मीन जो वैल्यू है उससे आपका डेटा का डेविएशन कितना आ रहा है। ठीक है, मीन डेविएशन समझ में आ गया, तीन फॉर्मूला कंप्लीट। फॉर्मूला के अंदर जो फॉर्मूलेज है ना उसको भी याद रखना, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मूला रट लिया एग्जाम में जाके सब गलत कर देना। नो, डोंट डू दिस, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए, तीन फॉर्मूला हो गया, चौथे फॉर्मूला की ओर चलते हैं। बड़ा कॉमन फॉर्मूला है, लेकिन फिर भी आपको देखना पड़ेगा क्योंकि इससे तो हर एग्जाम में ही आता है, जो भी स्टैट का एग्जाम हो, जहां पे भी स्टैट्स के क्वेश्चन आ रहे हो, आपको ये फॉर्मूला से आएगा ही आएगा सवाल। वो है रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। एक नया टर्म आ रहा है, मोड। ठीक है, मोड के बारे में बताऊंगा क्या होता है। इसका रिलेशन क्या कहता है, इसका रिलेशन कहता है कि मीन बराबर होता है 3 median - mode/2। ठीक है, अब देखो मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। बहुत लोग क्या होता है ना, ये फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है यार, इतना फॉर्मूला कहाँ से याद रहेगा एग्जामिनेशन में। इसको याद करने का बहुत बेहतरीन तरीका है, वो क्या है कि देखो, मीन जब भी आता है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, मीन जब भी आएगा तो डेनोमिनेटर में हमेशा, अगर मान लो 2 है, ए है, बी है, और इसका अगर आपको मीन निकालने के लिए कहा जाए, तो हमेशा नीचे में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे मीन के साथ कितने टर्म है, मीडियन मोड। तो मीन इज इक्वल्स टू लिखो डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 टर्म है, यहाँ पे भी 2 लिखते थे।
और आप इस सीक्वेंस में याद रखो, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड, ठीक है, ऐसे करके आप याद रखो मीन मीडियन मोड। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही आपने लिखा मीन मीडियन मोड का रिलेशन क्या होगा, आपने लिखा मीन फिर मीडियन फिर मोड, आपने ऐसे लिख दिया। मीन के बाद आप इक्वल टू दोगे, आपको पता है मीन क्या होता है, मीन मीन में हमेशा नीचे में डिनोमिनेटर में जितना नंबर ऑफ टर्म होता है वो डिवाइड होता है एन, तो यहाँ पे मीडियन है मोड है तो डिवाइडेड बाई टू कर दिया। बस एक चीज याद रखना आपको, वो क्या है, थ्री माइनस, बात खत्म। ऐसे करके दो तीन बार चार बार प्रैक्टिस करो, एकदम याद हो जाएगा। मीन मीडियन मोड लिखा, डिवाइडेड बाई टू किया, थ्री माइनस, खत्म। बाकी आप डायरेक्ट रिलेशन अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो ये तरीकों का, इस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब भाई सही बात है, यहां तक पहुंचे तो इसका भी एग्जाम्पल देना तो बनता ही है, वरना आप लोग बोलोगे यार इसका एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया, नहीं आता है क्या। चलिए मान लेते हैं आपको मीन दे दिया, या फिर यूं समझो कि आपको मीन आपके पास गिवन है 10, मीडियन आपके पास गिवन है इतना 5, आपसे बोला मोड निकालो, आपसे बोला गया मोड निकालो, ठीक है। तो मीन की जगह मैंने पुट कर दिया 10 इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन, कितना होगा 5 माइनस मोड अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए 20 इज इक्वल्स टू 15 माइनस मोड, तो मोड आपका कितना हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 5। देखो डेटा पे मत जाना, डेटा ऐसे एग्जांपल है, इस तरीके से निकलेगा, सवाल ऐसे ही आएंगे, या तो मीन मीडियन दे देगा, या तो मोड मीडियन दे देगा, या फिर मीडियन मीन दे देगा, कोई एक आपको दे दिया जाएगा, बाकी एक बचा हुआ आपको निकालना पड़ेगा, यही तरीके से निकलेगा, क्विक फास्ट फास्टेस्ट, ठीक है। आइए लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट रिलेशन क्या कहता है। लास्ट रिलेशन बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, और इससे भी सवाल आए हैं सीजीएल 22 में, तो इससे हर पेपर में सवाल आया है। वो क्या है, मोड आपसे पूछेगा, अनग्रुप डेटा का मोड। और मोड क्या होता है, मोड होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑकरिंग डेटा, ठीक है, ऑकरिंग डेटा। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कोई डेटा है गिवन, अनग्रुप डेटा गिवन है 2, 5, 9, 3, 9, 5, 9, 3, 7, ऐसे सवाल बहुत आए पिछले साल, ठीक है, प्रीवियस ईयर उठा के देखना बड़े मिलेंगे। कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टर्म्स है। आपको इस डेटा में बस एक चीज ढूंढना है, बहुत लोग तो बोलते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, कुछ नहीं करना है, नजर का खेल है, डेटा इससे बड़ा नहीं आने वाला। आपको डेटा नहीं मिलेगा कि आपको 500 नंबर दे दिया जाए, उससे बोला जाए कि मोड निकालो, नहीं, 8, 10, 12 बहुत है मैक्सिमम, आंखों से खेल खेल लेना है। देखो आपको देख के लग रहा होगा कि यार कोई एक नंबर तो है जो बहुत बार दिख रहा है, वो कौन सा नंबर है, 9, 9, 9 है कि नहीं, 3 बार, 5 कितनी बार है, 5 की अगर मैं बात करूं, 5 है यहां पे, 1, 2 और कौन सा है, 3, 1, 2, 2 अकेला बेचारा है और 7 अकेला है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैक्सिमम नंबर ऑकरिंग है वो क्या है, जो मैक्सिमम नंबर ऑकर कर रहा है वो 9 है, तो 9 आपका हो जाएगा मोड। इसका एक मतलब ये भी होता है मोड का कि फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑकर, सिंपली जो चीज जितनी ज्यादा बार आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई है, तो जिस डेटा का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 9 की फ्रीक्वेंसी क्या है, आप बोलोगे 3, मतलब कि 9 3 बार आ रहा है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो यही आपका मोड हो गया, 9 मोड आपका 9 हो गया, तो
9 आपका एक्चुअल मोड है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो बस ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आप कुछ याद मत रखो। मैं बोलूंगा इसी को याद रख के आप तैयारी करो, आपको कोई जरूरत नहीं है 25 घंटे की, 10 घंटे की, 15 घंटे की वीडियोस देखने की और वहां पे सवालों को देखने की, क्योंकि इससे ज्यादा अगर कुछ आता है, मैं अगर बताऊं आपको, इससे ज्यादा अगर कुछ आता है तो इट्स बेटर कि आप उसको सॉल्व ना करो एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो टाइम बचा के आप रीजनिंग में कुछ और कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा टफ आया ना, इससे अगर एक लेवल भी ऊपर आया, बड़े बड़े डेटाज आ गए, ग्रुप डेटाज आ गए, उसके आपको फ्रीक्वेंसी निकालने को बोल दिया जाए और मीन डिविएशंस बहुत ज्यादा निकालने को दे दिया जाए, तो आपसे नहीं बन पाएगा एग्जामिनेशन में। टाइम लिमिटेशन है, 60 क्वेश्चन आपको करना है 1 घंटे के अंदर में, और वो बड़ा बड़ा डेटा है, अगर आपसे एक पॉइंट भी मिस हो गया, और अगर आप कोई बोलता है कि नहीं आपको वो सवाल भी सॉल्व करके आना है, तो आप समझ जाओ कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको अलग जगह से हटाने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम का आप इस्तेमाल करो रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए, मैथ्स के किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि स्टैट्स जो है ना वो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, बड़ी बड़ी डेटाज होती है, यहाँ पे बड़े बड़े डेटाज को ऑपरेट करना पड़ता है और वैसे सवाल नहीं आएंगे। सिर्फ ये 5 फॉर्मूला याद रखो, सब खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। चलता हूँ, चलो अगर आप यहाँ तक देखते हुए आए हो तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर दोगे, वीडियो को कमेंट करोगे डेफिनेटली वीडियो पे कि हाँ आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या लगा, डेफिनेटली कमेंट जरूर कर देना यार, और शेयर कर देना किसी के साथ में, ठीक है। चलो अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद।